नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ESPN 9 न्यूज। जैसे कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव यहां पर बीत गए और यहां पर रिजल्ट देखा जाए तो बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत यहां पर पाली है। लेकिन अब लगातार यहां पर चर्चा होने लगी है कि आखिर बीजेपी का CM फेस कौन होगा, कौन बीजेपी की तरफ से यहां पर मुख्यमंत्री का ताज पहनेगा। रेस में वसुंधरा राजे हैं, बाबा बालकनाथ हैं और यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं, क्योंकि उनको लोकसभा से वापस विधानसभा चुनावों में उतारा गया था। लेकिन इस बीच राजस्थान में एक बड़ी घटना हुई है। यहां पर करणी सेना के बात करें अध्यक्ष की, सुखदेव सिंह गोगामढ़ी की, तो उनकी हत्या यहां पर कर दी गई और उसके बाद पूरी तरीके से राजस्थान की राजनीति यहां पर उफान पर है। और कहा जा रहा है कि यहां पर बाबा बालकनाथ जो है CM का फेस इसीलिए है और CM बनाने को लेकर चर्चा इसीलिए हो रही है ताकि जो बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा है उसको लगातार आगे रखा जाए, उसको लेकर लगातार चर्चा होती रहे। यूपी में जिस तरीके की हिंदुत्व की छाप है वहां पर योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, ऐसा ही यहां पर करने की बात कही जा रही है कि राजस्थान में भी यहां पर जो कन्हैया लाल का मर्डर हुआ था उसको लेकर काफ़ी राजनीति हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले को अपनी जनसभाओं में बोलते हुए नजर आए और लगातार यहां पर बात करें कन्हैया लाल मर्डर केस और यहां पर कई सारी बातें वो करते हुए नजर आए। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि हिंदुत्व चेहरा रखने के लिए यहां पर विचार किया जा रहा है कि यहां पर बाबा बालकनाथ को CM फेस ही नहीं, अब उनको CM के तौर पर यहां पर कुर्सी पर बैठा दिया जाए। जब यहां पर संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो अधीर रंजन चौधरी और बाबा बालकनाथ यहां पर मिलते हैं तो अधीर रंजन चौधरी भी कहते हैं कि ये तो राजस्थान का अगला CM होने वाले हैं। तो यहां पर बाबा बालकनाथ हंसते हुए यहां पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और उसके बाद से ही अटकलें तेज हो जाती हैं कि बाबा बालकनाथ ही यहां पर राजस्थान में हिंदुत्व का चेहरा बनेंगे और उनको यहां पर CM बनाया जाएगा, जिसके बाद यहां पर करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं उनकी जो हत्या हुई है उसकी जांच यहां पर शुरू होगी, जिसको लेकर पूरे राजस्थान में यहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यानी हिंदुत्व चेहरा होगा तो ही यहां पर करणी सेना और बाकी ऐसी चीज़ों की बात सुनी जाएगी, क्योंकि जब कन्हैया लाल मर्डर केस हुआ तो यहां पर गहलोत सरकार पर कई बड़े आरोप लगे कि यहां पर गहलोत सरकार ने कुछ नहीं किया, यहां पर ऐसे ही कन्हैया लाल का खून बहने दिया और वहां सजा नहीं दी गई, यानी तुष्टिकरण का खेल राजस्थान में चला। लेकिन अब राजस्थान में कहा जा रहा है कि हिंदुत्व चेहरा आएगा यहां पर, जैसे यूपी में बुलडोजर वाले योगी बाबा हैं यहां पर भी बुलडोजर वाले बाबा बालकनाथ आएंगे। तो देखना होगा कि राजस्थान में यह मुख्यमंत्री कौन बनेगा और इस मुद्दे में आगे और कितनी राजनीति होगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए ESPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।